नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज आया हूं मैं अपने बिलासपुर की हीरो एजेंसी में, जो हमारे यहां पर लगती है जमुना एजेंसी। देख सकते हैं यहां पर ये इसका जो ऑथोराइज्ड डीलर है, जमुना एजेंसी। तो चलिए आज हम दिखाते हैं आपको जो यहाँ पर ये एक नई बाइक लॉन्च हुई है, हीरो सुपर स्प्लेंडर E20 एथेनॉल वाली। तो यहाँ पर देखिए ये जो है न्यू बाइक है और आज इसका मैं रिव्यू करूँगा और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे बदलाव किए गए हैं जो आज आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको इसको एक बार अराउंड से दिखा देता हूं। देखिए यहां पर ये इसका मेन वाइजर है, यहां पे जो है आपको 3D में हीरो की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। और यहां पर जो इसका ये वाइजर है, यहां पे इसमें कुछ बदलाव किया गया है। सबसे पहला बदलाव तो आपको इसमें यही देखने को मिलेगा कि अब इस बाइक में आपको जो है DRL LED हेडलाइट देखने को मिलेगी। देखिए मैं आपको सबसे पहले इसको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पर जो ये हमारी अब न्यू बाइक है, इसके अंदर आपको ये तो पता है कि अब इसके अंदर जो ये यहाँ पर ये न्यू बजिंग आ रही है E20 वाली, एथेनॉल 20%, अब इनके अंदर जो है ये ऐड कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर देखिए ये इसका मीटर एनालॉग है, यहाँ पे अब इसके अंदर आपको जो है हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक वाला डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये फीचर तो आपको वही देखने को मिलेंगे, हेलो माई हीरो। देखिए जैसे मैं स्विच को ऑन करता हूँ और यहाँ पे आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा हेलो माई हीरो। और अब मैं इसको स्टार्ट करके आपको सबसे पहले इसकी हेडलाइट चेक करा देता हूं। तो देखिए ये इसकी हेडलाइट है और इसका जब मैं हाई और लो बीम देखिए चलाता हूं तो नीचे वाला इसका ये हाई बीम है और ऊपर वाला लो बीम। तो ये यहां पर अब मैं इसको बंद करता हूं और यहां पर पासिंग के द्वारा हम इसको चेक करते हैं क्योंकि ये भी जरूरी है। तो देखिए यहां पर ये पासिंग के द्वारा भी ऐसे काम करता है। तो ये तो हो गया इसका पहला बदलाव जो मैंने आपको इसमें दिखाया। इसके वाइजर में कुछ बदलाव है, यहाँ पर DRL LED हेडलाइट दी गई है और आपको इसके वाइजर पे यहाँ पे बहुत कुछ इसमें बदलाव देखने को मिलेगा। और जो इसका ये मीटर कंसोल है, अब यहाँ पर आपको इसमें जो है ये डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा स्प्लेंडर एक्सटेक वाला। और यहाँ पे आपको देखिए जो इसमें ये लो फ्यूल इंडिकेटर, यहाँ पर साइड स्टैंड इंडिकेटर, न्यूट्रल लाइट इंडिकेटर, मोड बटन और यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग सुविधा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और भी इसके अंदर बहुत सारे फीचर हैं। यहाँ पर देखिए आपको ब्लूटूथ बैटरी और यहाँ पर देखिए ये मिस कॉल मैसेजेस वगैरह सब कुछ इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जब आप अपने मोबाइल के द्वारा इसको कनेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो इसका ये कलर वेरियंट है, ये मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर ये जो हमारी हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक है, ये है अब मैट ग्रे कलर में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ इसके फ्यूल टैंक पर, यहाँ पर आपको सुपर स्प्लेंडर 3D लोगो में देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक्सटेक की बैजिंग। और जो सुपर स्प्लेंडर है यहाँ पर आपको एक ब्लैक रंग की पट्टी अलग से, जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाई स्टेप इसके अंदर जो हमने बदलाव इसमें देखने को अब नहीं मिलेंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया कि जो इसका ये मीटर कंसोल है, यहाँ पर ये डिजिटल मीटर इसमें दिया गया है। और यहाँ पर देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर और अन्य बदलाव। तो सबसे पहले हम आपको इधर दिखा देते हैं साइड में। तो अब यहाँ पर देखिए जो इसका ये साइलेंसर है, यहाँ पर देखिए इसको कुछ यहाँ से पतला किया गया है। आप देख सकते हैं पहले जो आपका ये सुपर स्प्लेंडर वाला साइलेंसर था, इसको कुछ यहाँ से काफ़ी भारी किया गया था और थोड़ा बदलाव यहाँ पर जो इसकी ये यहाँ पर बैंड है, देख सकते हैं यहाँ पर जो पाइप होता है इसको भी यहाँ पर ये कुछ पतला किया गया है। यहाँ पर ये कैटलेटिक कन्वर्टर है, आप देख सकते हैं। और अब आपको इसमें एक और बदलाव दिखा दूँ मैं। देखिए जो हमारी थ्रॉटल बॉडी है, इसके अंदर यहाँ पर कुछ बदलाव किया गया है। और यहाँ पर जो इसमें एक्चुएटर लगा होता है, पहले इसके अंदर आपको दो तार वाला देखने को मिलता था, अब इसके अंदर चार तार वाला आपको ये एक्चुएटर इसमें देखने को मिलेगा। ये भी इसके अंदर एक बदलाव है। और अगला बदलाव आपको इसके इग्निशन स्विच में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए जो इसका इग्निशन स्विच है, जैसे आपको होंडा की बाइक का जो इग्निशन स्विच होता है देखने में मिलता है, ऐसे ही आपको इसमें देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये इसमें आपको दो सक्रिय देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको इसकी सीट को ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो इसका यहाँ का आप फर्स्ट एड किट बॉक्स देख सकते हैं और यहाँ पे इसमें एक ये DLC कनेक्टर होता है, डेटा लिंक कनेक्टर। जब हमारी बाइक में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम यहाँ पर इसके द्वारा इसको स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि हमारी बाइक में क्या प्रॉब्लम है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके टायर। यहाँ पर देखिए ये जो इसका टायर है, यहाँ पर आपको इसमें सीएट कंपनी का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा और इसके अंदर 80x2018 47 प्राइस का ये ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा। ये इसकी ट्यूबलेस टोटी है
और यहाँ पर मैं आपको इसकी ग्रिप दिखा देता हूँ। देखिए ये इसकी ग्रिप है, साइड में आपको दोनों तरफ रिफ्लेक्टर देखने को मिलेंगे और यहाँ पर ये आपको वही IBS टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। और इस साइड में चलते हैं हम रियर वाले टायर पे, और जो इसमें यहाँ पर ये अब ड्रम दिया गया है ये इसमें 130 mm का आता है। बड़े ब्रेक हैं तो ऐसे में इनकी ग्रिप भी अच्छी रहती है। और जो रियर टायर है इसमें 90x90 18 MC 51 ply, यहाँ पर ये इसमें कुछ टायर में बदलाव किया गया है। और यहाँ पर ये शेड कंपनी का है, इसकी ग्रिप आप देख सकते हैं, ये इसकी ग्रिप है। और यहाँ पे आपको इसमें वही जो साइड गार्ड होता है ये ब्लैक देखने को मिलेगा, फाइबर के इसमें आपको चेन कवर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो ये इसका साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ शीशे देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे ये सेंसर लगा होता है। और अब बात करते हैं इसके इंजन की, यहाँ पे आपको इसके अंदर वही 125 cc का इंजन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए जो हमारी बाइक अभी न्यू आ रही है 1 अप्रैल 2023 से, तो इनके अंदर जो मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पर अब E20 की बैजिंग आ रही है, तो इनके अंदर आपको अब एथेनॉल की 20% की मात्रा देखने को मिलेगी। जब भी आप अपनी बाइक के अंदर पेट्रोल डलवाएंगे तो आपको इसके अंदर ये 20% एथेनॉल मिक्स हुआ देखने को मिलेगा। तो ऐसे में ये इसके अंदर बहुत सारे कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं। और यहाँ पे देखिए जो इसका ये इंडिकेटर है इसको थोड़ा फ्लेक्सिबल किया गया है, देख सकते हैं, ताकि जल्दी से ना टूटे। बात करते हैं इसकी शोरूम प्राइस की, दोस्तों हमारे यहाँ पर बिलासपुर हरियाणा में इसकी शोरूम प्राइस है 82,200 रुपये। तो यहाँ पर अगर आप इसको ऑन रोड परचेज करेंगे तो ऐसे में तकरीबन आपको ये 92,000 रुपये के आसपास पड़ेगी ऑन रोड। तो यहाँ पर इसके अंदर आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, यहाँ पर देखिए ये फ्रंट जो है ड्रम वाला है, तो यहाँ पर जो दूसरा वेरिएंट है उसके अंदर आपको डिस्क ब्रेक वाला जो वेरिएंट होता है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर तो ये ड्रम वाला है, तो फिलहाल यहाँ पे ये जो है डिस्क ब्रेक वाली नहीं है, तो इसके अंदर आपको ये जो है ड्रम वाला ऑप्शन ही मिलेगा। तो आप चाहे तो इसके अंदर फ्रंट जो डिस्क ब्रेक आता है वो वाला चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए अब मैं आपको इसकी एक बार साउंड सुना देता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ड्रम और यहाँ पर हेलो माय हीरो। तो चलो अब यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट करके एक बार चेक करा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर जैसे ही हमने स्टार्ट करी यहाँ से चेक इंजन लाइट चल गई, तो मैं आपको उसकी एक बार साउंड सुना देता हूँ। तो साउंड बिल्कुल मस्त है, साउंड में कोई दिक्कत नहीं, इंजन बिल्कुल जबरदस्त है इन बाइक का। तो देख सकते हैं इंजन के अंदर से कोई भी साउंड नहीं है। तो यहाँ पर जो मैंने आज आपको इसमें बदलाव दिखाया ये इसके अंदर कुछ बदलाव किए गए हीरो द्वारा अपने न्यू सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक E20 मॉडल में, जो अब आपको ये 1 अप्रैल 2023 से ऑल इंडिया में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थी हमारी हीरो की न्यू बाइक, हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक E20। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद, आप सबका शुक्रिया है। जय हिंद, वंदे मातरम।